श्रुति दुबे और आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। और आइए विस्तार से आगे की खबरों पर चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रत्याशी से हुई खास वार्ता। जी हां, प्रतापगढ़ से राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रत्याशी सुनील चंद्रपाल जी से हुई खास बातचीत, जिसमें उन्होंने फास्ट न्यूज इंडिया को अपने राजनैतिक उद्देश्य एवं यहाँ के विकास के संबंध में बताया। साथ ही उन्होंने इस लोकसभा चुनाव को जीतने के दावे भी किए। प्रतापगढ़ से हमारे संवाददाता संजय कुमार पाल की रिपोर्ट। 2019 के चुनाव के लिए जो है हमारे निकले हैं, यहाँ का माहौल क्या है? राष्ट्रीय समाज पार्टी से जो है सुनील पाल जो है यहाँ लोकसभा प्रत्याशी बनाए गए हैं, इनका जो है सबसे पहले हम जानेंगे इनका जो है राजनीति में कहाँ से लगाव आया और किस लिए जो है चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, और इनका जो है जहाँ तक की बात है कि जो है चुनाव में राजनीति में किस लिए आए हैं, इनका जो है इसके पहले क्या कह रहे थे, इनके जो है जीवन परिचय के बारे में सारी जो है जानकारियाँ हम लेंगे। दीदी जी, आप ये बताइए जो है सबसे पहले आपको चुनाव लड़ने की इच्छा कहाँ से प्राप्त हुई और आपने ऐसे जो है कहाँ से आए आप राजनीति में? देखिए, इसके लिए प्रेरणा को तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जानकर साहब हैं और उनकी इस त्याग की भावना को देख के हम बड़ा प्रभावित हुए कि ठीक है, जो कुछ योजनाएं चलती हैं सरकार से केंद्र से वो उस गांव के लास्ट व्यक्ति तक पहुंच नहीं पाती, वो कहीं कहीं बिचौलिए के पास रह जाती हैं और पूरी तरीके से कहीं ना कहीं वो कैप्चर हो जाती है। आज के समय में किसी भी लास्ट तक के व्यक्ति का सिर्फ नाम आता है कि हाँ खानापुरी में, कि वो कुछ मिलता नहीं है। इस उनकी प्रेरणा से मैं एकदम प्रेरित हुआ कि अब जो है नवयुवकों को निकल के समाज में उन जिन लोगों के पास वो नहीं पहुंच पा रहा है उनके लिए ही कुछ करने के लिए मैं समाज में राजनीति के लिए आया हूँ। एक तरह से देखा जाए कि जो है मोदी जी का कहा जाता है चौकीदार चोर है, तरह तमाम तरह के जो है उनके ऊपर जो है आरोप लग रहे हैं, प्रत्यारोप लग रहे हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? मैं एकदम इसको सत्य इसलिए मानता हूँ कि आज वो चौकीदार बन के जो कहते हैं कि चौकीदार चौकीदारी कर रहा है, लेकिन एकदम गलत है, क्योंकि आज आप देखिए ग्रामीण चौकीदार जो है, जो आप लोगों ने देखा होगा थाने में लाल पगड़ी बांध के आता है, उसकी हालत देखिए और मोदी जी को देखिए, वो खुद को चौकीदार बना के एकदम जो है चौकीदार नाम की भी बड़ी एकदम उन्होंने तौहीन कर दी। उस चौकीदार की हालत देखिए कि आज वो 500 रुपये में काम कर रहा है, कोई आदमी आज के ज़माने में एक दिन का 500 रुपये भी नहीं, उससे भी ज़्यादा उसको चाहिए, लेकिन वो 500 रुपये में जीवन यापन कर रहा है चौकीदार के नाम पे। उन्होंने देश को ठगा है, पूरी तरीके से ठगा। आपकी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितने लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रही है? सभी लोकसभा सीटों पे प्रयास किया जा रहा है, कुछ जगह पे हमारे जो है पर्चे जो है किसी कारण से जो है खानापुरी नहीं हो पाई, इसलिए हट गया है, निरस्त हो गया है, लेकिन और लगभग सभी 80 सीटों पर हम हमारी पार्टी के मुखिया के निर्देश पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। आप ये बताइए, आप तो जो है चुनाव जिस राजनीति में आए, राजनीति में आने के बाद आपको इसके पहले आप क्या किया करते थे? वैसे तो मैं पूरे तरीके से राजनीतिक घराने से हूँ, लेकिन पिताजी जो हमारे सोशल उनकी जो सोच थी समाज में उस गरीब तबके के गांव के सबसे लास्ट व्यक्ति को वो जब देखते थे तो बड़ा दुखी होते थे, उनके लिए सोशल वेलफेयर के लिए लड़ते थे, जैसे कि होमगार्डों चौकीदारों के लिए उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी है, जेल भी गए हैं, रासुका तक की उनके ऊपर कार्रवाई शासन ने की थी, लेकिन उसको हर हालत में फेस करते हुए समाज के लिए लड़ते रहे, और उसी सोच के मैं भी आगे उन बिंदुओं को छूने का प्रयास करूँगा जहाँ पे शासन के नाम पे उनके लिए धन आवंटन होता है लेकिन वहाँ पहुँचता नहीं है, उनको मैं वो लाभ दिलाने का काम करने के लिए राजी हूँ। अगर आप इस बार चुनाव मान लीजिए जीतते हैं, इस बार जो प्रतापगढ़ की जनता के लिए आपका क्या मेन उद्देश्य, यहाँ जो मेन उद्देश्य आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम लोगों की सुरक्षा, क्योंकि हम कुछ भी करें अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो किए हुए काम का कोई मूल्य नहीं। दूसरा, यह जनपद जो है उद्योग शून्य हो गया है, मैंने अपने प्रतापगढ़ जिले के मैनिफेस्टो में रखा है कि सबसे पहले सुरक्षा और फिर उद्योग। अगर मैं सांसद बन के आता हूँ तो जिले को जो है उद्योग जनपद घोषित करें, औद्योगिक जनपद घोषित कराऊँ। जैसे जो है यहाँ योगी जी का एक स्कीम आया था जो प्रधान को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनने के बाद कहा गया कि जो सभी सड़क की गड्ढा मुक्त कर दी जाए, क्या ऐसा जो है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भी गड्ढा मुक्त सड़क कर दी गई? आप तो इसी जिले में अब विचरण कर रहे हैं, आप खबरों को बहुत ढंग से देखते हैं, आप जाएंगे तो लगेगा गड्ढा युक्त और हो गई, मुक्त नहीं हुई, गड्ढा युक्त हो गई। ये पूरी तरीके से विभाग के साथ और भाजपा के लोग मिलके इस पैसे को दोहन कर रहे हैं और ये इसका जो टैक्स आता है वो जनता के ऊपर लाद रहे हैं, गरीब आदमी इसमें दर्द उस गड्ढे में घुस जा रहा है।
आपको एक है जो है राष्ट्रीय समाज पार्टी के जिला जो है प्रदेश प्रतापगढ़ से जो लोकसभा प्रत्याशी सभी बातों को बिंदुओं को देखते हुए जो है संजय पाल फास्ट इंडिया न्यूज प्रतापगढ़। जोरों शोरों से मनाया गया 128वां अंबेडकर जयंती। जी हां, अंबेडकर नगर में बुबुरिया सिमूर खानपुर ग्राम सभा में कार्यकारिणी के सदस्य सुगीन ने बताया कि बाबा साहब की ही देन है जो कि गरीब और पिछड़ा तबके के लोग आज के समय अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। बाबा साहब की मेहनत है कि भारत का कानून पूरे दुनिया में सबसे लचीला और पारदर्शी है। इस मौके पर विकास, रामबचन, राहुल आदि लोग मौजूद रहे। अंबेडकर नगर से हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। आइए यहाँ इन लोगों से बातचीत करते हैं। अरे चलो पकड़ो यार, पकड़ो। देखो मस्ती न लगाए। बोलो हैप्पी बर्थडे टू यू। ये बुजुर्ग भाई बोलो यार, आओ अम्बेडकर जी के जीवन शैली के बारे में कुछ। आज उनका 128वां जन्मदिन मनाया जा रहा है और 14 अप्रैल 1891 को उनका जन्म हुआ था। ये मान लीजिए कि बहुजनों के लिए बहुत शुभ दिन है आज का दिन। जी जी हाँ, और यहाँ बहुत हर्ष उल्लास के साथ जो है हर साल मनाया जाता है। हर साल मनाया जाता है। जी जी, बहुत धूमधाम से। और कुछ बताएंगे क्या? और क्या, इनका जन्म हुआ जब से ये जान लीजिए बहुजनों का बहुत बड़ा उद्धार हुआ है। इसीलिए बहुजनों को ये लगता है कि ये हमारे मसीहा हैं, तो है भी वैसे। इनकी बड़ी इतनी बड़ी ताकत थी कलम में कि आज हक अधिकार और मान सम्मान मिला है। आखिर आप सब कुछ आप बताना चाहते हैं सर? आप पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामबचन है, मैं इसी गांव का निवासी हूँ। जी जी हाँ, और हमारे यहाँ जो है परंपरा जो है मैडम बराबर मनाया जा रहा है, चल रहा तब से। और हमारे का उद्देश्य है कि सब समाज के अंदर जगाएँ और जो अशिक्षित हैं उनको भी शिक्षित बनाएं। बाबा साहब का क्या उद्देश्य था इस परंपरा से जो है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है? बाबा साहब का उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य था कि समाज जो है शिक्षित बने और जो है आगे बढ़े, अपने बनते रहे, वैसा चाहते थे। सर्व समाज सबका मतलब हक है, सबका बराबर है, हक जो है सबको मिलना चाहिए, उनका ही उद्देश्य था। जी जी, और क्या बताएं, बाबा साहब ने तो हमें सब कुछ दिया, मान भी था। और अपने जो है जीवन में उन्होंने बहुत संघर्ष किया जो अधिकार हमें दिलाने के लिए। आखिर आप लोग इतना मानते क्यों भीमराव अंबेडकर जी? मानते इसलिए है, बाबा साहब ने बहुत लंबी लड़ाई लड़के हमें हमारा हक अधिकार दिलाया और हमें जागरूक करने के लिए हर एक तरह से उन्होंने सारे किए। चलिए ठीक है, आइए दिखाते हैं यहाँ के ग्रामों से यहाँ के सारे लोग कैसे मनाते हैं यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन। बीजेपी सांसद श्री रतन लाल कटारिया, भारतीय जनता पार्टी के माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज एवं समस्त पदाधिकारी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में लोकसभा के चुनाव को लेकर चर्चा हुई जिसमें समस्त क्षेत्रवासी भी मौजूद रहे। हरियाणा से हमारे संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट।
जी मन में कोई शंका या कुछ नहीं है कि कोई विवाद विवाद तो नहीं है कुछ ऐसा? प्रश्न ही पैदा नहीं होता, ये इस बात का वर्णन जी। मैंने ये कहा है कि राजनीति में तो हम दोनों बाद में आए, हमारे संबंध जो हैं 40 साल पुराने हैं। ये जो कई बार बात उठती है, जो लोग कुमारी शैलजा हुड्डा सहा में जब कार्यक्रम हुआ था तो जूतम जूत हुए वहाँ पर, और सारी दुनिया ने उनका झगड़ा देखा। कोई माई का लाल पिछले 40 साल में एक सुई जितनी बात भी बता दे कि भाई अनिल विज की और मेरी आमने सामने कोई एक सुई जितनी बातचीत भी हुई हो, हमें इस षड्यंत्र के अंतर्गत बार बार कहना पड़ रहा है विपक्षी दलों के कि हर राज्य को तो कोई फेसबुक पे डाल देता है, कभी कोई सबसे पहले यही सवाल पूछता है। अरे और कोई प्रश्न नहीं है क्या? देश के विकास का कोई प्रश्न नहीं है क्या? और जो हमारा 75 सूत्री प्रोग्राम है उसका कोई सवाल नहीं है क्या? जो पिछले 5 साल में काम किए हैं उसका कोई सवाल नहीं है क्या? भाई अनिल विज ने जिस तरह से हरियाणा प्रदेश की आन बान शान की रक्षा करते हुए सारे हिंदुस्तान के अंदर अपना स्थान बनाया है, उसकी कोई चर्चा क्यों नहीं करता? वो बातें तो गौण हो गई और सिर्फ नेगेटिविज्म के आधार पे कोई चीज लंबे समय तक नहीं चला करती। भाई जी आज दिखाई दिखाई दिए आप ममता बनर्जी की, राहुल गांधी को अपने। हाँ मैं तो कहता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, एमपी का चुनाव नहीं लड़ना। श्रीराम कथा का हुआ आयोजन। जी हाँ, प्रयागराज में माँ कल्याणी देवी मंदिर के सामने पार्क में श्री नव संवत्सर मानस समिति द्वारा संगीत में श्री राम कथा का आयोजन किया गया। यह राम कथा गत 7 दिनों तक चला। यह प्रोग्राम परम पूज्य श्री ऋषि जी महाराज सारी धाम वृंदावन के द्वारा सुनाई गई। इसमें मुख्य संरक्षक शंकराचार्य स्वामी, प्रवक्ता ओमकार नाथ त्रिपाठी रहे। प्रयागराज से हमारे संवाददाता अरुण सिंह की माताओं के पास आई, माँ कौशल्या देवी, माँ सुमित्रा देवी, माँ की कृपा। सुनैना माँ के माताओं चरणों में प्रणाम करती हैं श्री महारानी। सब ईश्वर के देन है, जो हुआ तो आप क्या कर सकती हैं। सब बड़े व्याकुल हैं सारी माताएं। आज सब फिर सो को दूर कर सब लोग उस दिन किसी ने जल ग्रहण है। प्रातः काल हुई सब लोग दो बड़ी तिथियां सुमित्रा माँ का महारानी के चरणों में प्रणाम करती देवी, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम सीते को देने के लिए कुछ क्षण के लिए ले जा सकते हैं। माँ कौशल्या ने कहा, सुनैना माँ माँ जानकी लेकर अपने डेरे पर आ गई। भगवान का अवतार होगा और अपनी पुत्री को तपस्वनी के वेश में देख कर बहुत तमाम जनक लागू अपनी ओर से उन्हें नमन करती हूँ, याद करती हूँ कि इस महान पुरुष की श्रद्धांजलि और यहाँ पर उपस्थित लोगों को से यही मेरा संकल्प लेने का निवेदन है कि ऐसे महान पुरुष इन लोगों ने देश के लिए आम जन के लिए अपने आप को शहीद कर दिया है, और हम ऐसे आतंकवादियों से लड़ने के लिए हमारे देश में ज़रूरत है। हमारे देश के शशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वही खत्म कर जाते हैं, बाकी तो वोट लेने के लिए सब मिल जाते हैं। साथियों, हम लोग पुनः देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारे सभी सिंधी समाज के भाई हमारे साथ हैं। जनसंपर्क रैली का हुआ है।
आयोजन जिया प्रयागराज में 52 लोकसभा संसदीय सीट प्रत्याशी मां भवानी के समर्थन में दूसरी जनसंपर्क रैली सुलाके चौराहा से लोकनाथ चौराहा तक चलाया गया। आज का जनसंपर्क एवं नुक्कड़ सभा का नेतृत्व पूर्वांचल प्रांत सचिव सत्येंद्र तिवारी ने किया। प्रयागराज से हमारे संवाददाता रानू सिंह की रिपोर्ट। आम आदमी भ्रष्टाचार का एक एक कॉल, 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 नोटबंदी पे दे जाओ, जीएसटी पे दे जाओ। पार्टी बारे में सर बताएं। पार्टी ने आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है इलाहाबाद से शहर से संसदीय क्षेत्र से, जिनका नाम भवानी जी है, भवानी नाथ वाल्मीकि, और पार्टी ने उनको भेजा है हमारे बीच में। किन्नर अखाड़े के माँ मंडलेश्वर भी हैं, टिकट फाइनल हो गया है। उन्हीं के समर्थन जुटाने के लिए हम लोग अपने एक नुक्कड़ सभा कर रहे हैं। नुक्कड़ सभा करते हुए लोगों से जनसंपर्क करेंगे। प्रत्याशी हमारे बीच अभी नहीं है, वो आपके बीच आएंगी अपने नामांकन के बाद। जिस दिन नामांकन हो जाएगा उस दिन से वो भी मार्केट में आ जाएंगी। अभी जो है लोगों से समर्थन मांगेंगे। आज हमारी पार्टी यहाँ नुक्कड़ सभा करेगी, चंदोक चौराहे से होते हुए उसके बाद जनसंपर्क करते हुए हम लोग रामबाग चौराहे जाएंगे। रामबाग चौराहे से जीवन ज्योति, जीवन ज्योति से आर कन्या चौराहे, आर कन्या चौराहे से मुठ्ठीगंज चौराहे होते हुए राम भवन चौराहे पे आके समापन करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अली मोहम्मद अब्बासी, जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष। दक्षिणी का सफाई अभियान बनाएंगे। मोहम्मद जाहिद प्रचारक, आम आदमी पार्टी, जिला इलाहाबाद, शहर दक्षिणी। हम लोग माँ भवानी के प्रत्याशी के रूप में उतारा है आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के आह्वान पर। जिस तरीके से हम लोग दिल्ली में काम किया है, हमने उत्तर प्रदेश में भी काम करेंगे, शहर दक्षिणी में का जीतेंगे। स्वास्थ्य, पानी और बिजली के बारे में आप करेंगे, और हम लोग सफाई के बारे में, और सबसे ज़्यादा हम लोग स्वास्थ्य के मामले में काम करेंगे, और जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देंगे, शिक्षा पे काम करेंगे। हमारा यही मोमेंट है, हम यही मोमेंट पे आज़ादी के लिए लड़ते रहेंगे। आप पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल के सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं। माँ भवानी जो हमारी प्रत्याशी हैं उनकी इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, जो हमारे साथ आज लड़ रही हैं, आंदोलन कर रही हैं। हम लोग जीतने नहीं आए हैं, काम करने आए हैं। जय हिंद, जय भारत। खबरों का क्रम इसी तरह फास्ट न्यूज इंडिया पर जारी रहेगा, लेकिन आप जरूर बने रहिए फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। We'll be right back.